इंडियन गर्ल चैनल त्रिशा। मेरे आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे प्रॉपरली फाउंडेशन और कंसीलर को अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी मेकअप की जो बेस है वो कम्प्लीटली फ्लॉलेस दिखे। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। फाउंडेशन और कंसीलर आपकी मेकअप की बेस होती है, इसलिए फाउंडेशन और कंसीलर को आप जितने अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे आपकी मेकअप उतनी ही फ्लॉलेस दिखेगी। तो आपको फाउंडेशन और कंसीलर एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना चाहिए। आज मैं इस ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन की फिट मी फाउंडेशन। इसमें मेरी शेड है 128 वार्म न्यूड। आप जब फाउंडेशन चूज़ करें तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा फाउंडेशन ले कौन सा फाउंडेशन ना ले। एक्चुअली आप इसे आपके स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो आप स्टिक फाउंडेशन चूज कर सकते हैं। आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो आप मूस फाउंडेशन या फिर सिरम फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन टाइप नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है तो आप इस टाइप की लिक्विड फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं। ऐसे तो लिक्विड फाउंडेशन आपकी स्किन टाइप कोई भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आपके स्किन टाइप के हिसाब से स्पेसिफिक फाउंडेशन भी चूज कर सकते हैं। और एक बेसिस पे भी आप फाउंडेशन को चूज कर सकते हैं कि आप कितना कवरेज चाहते हैं। जैसे कि आप डेली लाइफ के लिए अगर फाउंडेशन चूज कर रहे हैं तो आप नॉर्मल टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्राइड है या फिर किसी पार्टी मेकअप के लिए फाउंडेशन चूज कर रहे हैं तो आप हाई कवरेज फाउंडेशन चूज कर सकते हैं। इस फाउंडेशन को मैं अपने हैंड में ले रही हूँ। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स में अपनी पूरी स्किन में मैं इसे अप्लाई कर लूंगी। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आप चाहे तो ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि फिंगर से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बस डिफरेंस यही है। जब इस तरीके से फुल डॉट्स में आप पूरे फेस में फाउंडेशन को अप्लाई कर ले तब इसे स्प्रेड ना करें इस तरीके से, बल्कि अपने तीन फिंगर से बस इस तरीके से डैब करते रहे। आई प्रॉमिस यू इससे बहुत अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो जाती है। मैं कोई भी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस वीडियो को मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बिगिनर्स के पास बहुत सारे टूल्स नहीं रहते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, फिंगर से अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। फाउंडेशन को अपने हेयर लाइन में ज़रूर अच्छे से ब्लेंड करें, अदरवाइज ये बहुत ख़राब दिखता है। फेस पे अप्लाई करने के बाद फाउंडेशन को नेक पे अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो कम्प्लेक्शन है, फेस, नेक और ईयर, जितना पोर्शन आपका एक्सपोज होता है बहुत ज़्यादा, उनकी जो कम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल इवन रहे। फाउंडेशन को मैंने अपने पूरे फेस एंड नेक में अप्लाई कर लिया है और आप शायद देख पा रहे हैं कि ये कम्प्लीटली इवन टोन दिख रहा है मेरी कम्प्लीट फेस एंड नेक। फाउंडेशन के बारे में मेरी एक डिटेल वीडियो भी है, तो अगर आप चाहे तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में और भी बहुत सारे टिप्स दिए हैं फाउंडेशन के बारे में, तो आप उसे चेक करना बिल्कुल ना भूलें। फाउंडेशन के बाद बातें करते हैं कंसीलर एप्लीकेशन की। कंसीलर बहुत टाइप की होती है, जैसे कि इस टाइप की स्टिक कंसीलर होती है, लिक्विड कंसीलर होती है। आप आपके पसंद के हिसाब से कंसीलर को चूज कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं यूज करने वाली हूँ मेबलिन फिट मी की कंसीलर। इसमें मेरी शेड है 10 लाइट लेजर। कंसीलर को मैं अपने अंडर आई एरिया में अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। और एक बात होती है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कंसीलर को एक्चुअली कब अप्लाई करना है, फाउंडेशन से पहले या फाउंडेशन के बाद। इसमें मैं बताती हूँ, कंसीलर अप्लाई करने की बहुत सारी पर्पस होती है, जैसे कि डार्कनेस को हाइड करना, पिगमेंटेशन को हाइड करना या फिर फेस के किसी एरिया को हाईलाइट करना। तो
इन पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंसीलर को फाउंडेशन से पहले अप्लाई करेंगे या फाउंडेशन के बाद। जैसे कि अगर आपकी पर्पस हो कि आपको अंडर आई एरिया की डार्कनेस को हटाना है, या फिर आपके फेस में कहीं पर बहुत ज्यादा पिंपल्स है, पिंपल्स मार्क्स है, या फिर पिगमेंटेशन है तो उसको हाइड करना है, तो आप कंसीलर को पहले अप्लाई करें। या फिर अगर आप पैन स्टिक्स यूज करते हैं, जो स्टिक कंसीलर होते हैं उसे यूज करते हैं, तो आपको स्टिक कंसीलर को पहले अप्लाई करना है फाउंडेशन से पहले। अदरवाइज अगर आपकी पर्पस है कि हाइलाइट्स करना, आपके फेस के किसी भी पार्ट को हाइलाइट करना, स्पेशली जो हायर पॉइंट्स होते हैं हमारी फेस की, जैसे कि ये जो एरिया होता है, ब्रिज ऑफ द नोज होता है, इन्हें जब हम हाइलाइट करना चाहते हैं तब हम कंसीलर को फाउंडेशन के बाद अप्लाई करते हैं। तो मैं अंडर आई एरिया की डार्कनेस को हाइड करने के साथ साथ थोड़ी सी इस एरिया को हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं इस तरीके से कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ, और इसके बाद मैं ब्रिज ऑफ द नोज में इसे अप्लाई करूँगी। मैं अपनी फोरहेड को हाईलाइट करने के लिए इसे यूज़ कर रही हूँ, और मेरी चीन में थोड़ा सा डार्कनेस है उसे हाइड करने के लिए भी मैं कंसीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर को आपने जिस एरिया में अप्लाई किया है उसी एरिया में डैबिंग मोशन में थोड़ा सा धीरे धीरे ब्लेंड करने की कोशिश कीजिए। आप इसे इस तरीके से स्प्रेड मत कीजिए, इससे जो कंसीलर की मेन पर्पस है वही ख़त्म हो जाएगी, मतलब आपकी जिस एरिया की डार्कनेस को हाइड करने के लिए आप इसे कर रहे हो वही नहीं हो पाएगा। कंसीलर अप्लाई करने से आपके फेस में एक बहुत अच्छा डायमेंशन भी आता है, जिससे आपकी जो फेस है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं दिखती, जो बहुत अच्छी बात होती है। स्पेशली पार्टीज में अगर आप जा रहे हैं और अच्छी कवरेज आपको चाहिए तो फाउंडेशन के साथ साथ आप कंसीलर ज़रूर अप्लाई करें। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि कंसीलर की शेड हम कौन सा चूज़ करें, हम लाइट शेड चूज़ करें या फिर कंप्लीट जो फाउंडेशन की शेड है वही शेड चूज़ करें। तो मैं कहूँगी ये कम्प्लीटली आपके पर्पस के ऊपर है कि आप किस पर्पस से कंसीलर को यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप डार्कनेस को हाइड करने के लिए कंसीलर यूज़ करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल कहूँगी आपकी जो फाउंडेशन की शेड है आप बिल्कुल सेम शेड का कंसीलर लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस तरीके से हाईलाइट करना तो आपको थोड़ा सा लाइटर शेड चूज़ करना चाहिए कंसीलर। आप देख सकते हैं कि मेरी कंप्लीट जो फाउंडेशन और कंसीलर की रूटीन है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। इससे मेरे फेस में एक डायमेंशन आया है, उसके साथ साथ मेरी कंप्लीट जो स्किन टोन है वो इवन दिख रही है। तो यही हमारी मेन पर्पस होती है फाउंडेशन और कंसीलर यूज करने की। होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जल्दी से मैं अपने मेकअप लुक को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे से मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर ऑलरेडी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत सारा थैंक यू, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।